जैसी फिल्मों में पुलिस के किरदार को देखने के बाद लोगों ने सिनेमा घरों में खूब तालियां और सीटी बजाई थी, लेकिन असल जिंदगी में पुलिस कैसी होती है ये किसी से नहीं छिपा है। अक्सर हम पुलिस की वर्दी पर दाग लगते हुए भी सुनते रहते हैं। ऐसी ही पुलिस की वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। दरअसल हरदोई के हरियावा थाने में तैनात सिपाही की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित ने सिपाही के रिश्वत लेने से संबंधित बातचीत का ऑडियो देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। बात करो जब बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है? हेलो हेलो, हाँ क्या बता रहे हैं? आओ जब बताऊंगा, सामने आकर बात करोगे तब बताऊंगा। अच्छा, मतलब बात तो आपकी हमारी थी, दरोगा जी की तो कोई बात नहीं थी। तो मेरे सामने तो आओ तुम। सामने आएंगे, मुकदमा दिखवाया, वहाँ का बता दिया, वहाँ का बना दिया। पैसे भी हमने इसी बात के लिए पैसे आपको दिए थे, आपके हाथ में दिए। हेलो, ऐसा सुन मेरी बात, फोन से सारी बात नहीं होती, मेरे सामने आओगे तब बात कराऊंगा, आपसे करूंगा, ठीक है? नहीं, बात तो साहब सही है, हम जो है वही बात तो हम पूछ रहे थे। फिर यार फोन पे नहीं पूछा करते ये सब बातें, तुम सामने आओगे तभी तो बताऊंगा मैं। तभी तुमने कहा था कि आप अलग हैं कि मतलब कहीं पे कोई मतलब अन्य आदमी न जाने, क्योंकि आपका मामला हमारा कहीं दूसरा नहीं, हम मानते हैं। नहीं बिल्कुल, तो मेरे सामने जब आओगे ना तुम थाने, तो घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे मुझे फोन कर लेना, ठीक है? अच्छा, मतलब यही चीज तो पूछते थे हमने कि मामला हमारा तुम्हारा तय हुआ, जो भी बात हुई थी लेन देन की, जो भी किया वो आपके हाथ में किया, अब हमारा मामला तो दिखा दिया है कंथा थोप का। मेरी बात तो सुन मेरे भाई, मैं तुम्हें क्या कह रहा, तुम सामने आना ना भाई, बात फोन से नहीं करना तू। चलो ठीक है, थाने आओ जब बात करूंगा तुमसे, ठीक है? चलिए चलिए, ठीक है भैया, ठीक है साहब। दरअसल दहेज प्रताड़ना के बाद मायके में रह रही पीड़िता और उसके माता पिता के साथ मारपीट करने वाले ससुराली जनों के खिलाफ इलाकाई पुलिस ने जब कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित परिवार ने अफसरों से न्याय की गुहार लगाई। अधिकारियों ने जांच के मामले में जांच के आदेश भी जारी किए, लेकिन बावजूद इसके मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पीड़िता का आरोप है कि जीडीपी के आदेश के बाद भी पीड़िता का मुकदमा तब दर्ज किया जाएगा जब 20,000 की रिश्वत एक सिपाही के द्वारा ली गई। पीड़ित के मुताबिक उसकी तहरीर बदलकर मुकदमा दर्ज किया गया और अब मुकदमे में कार्रवाई के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। 7 साल पहले मैं शादी कंथा चौक में आसून पीड़िता सौदाद से की थी और कुछ अनमन हो गई, लड़की को हम अपने थाने और घर ले गए, घर में जो ईद के मिलने के बहाने आए, दामाद लड़का और जो सब लोग आए पूरे परिवार के लोग, और इन्होंने मारपीट घर में की। हम सवेरे थाना हरियामा में शिकायत करने गए तो वहाँ हमसे आरिफ नाम के एक सिपाही है, उन्होंने 20,000 रुपये लिए। 20,000 रुपये हमने दिए तो हमारा मुकदमा लिखा गया DGP के आर्डर से, CO साहब के आर्डर से, कप्तान साहब के आर्डर से, और अब जो है हमें बता रहे हैं कि तुम 1,00,000 रुपये वहाँ से मिल चुके हैं हमें, आप 50,000 रुपये दो तो मुकदमा तुम्हारा बरकरार रहेगा, अन्यथा हम मुलजिम निकाल देंगे, आरिफ का कहना है। सिपाही की रिश्वतखोरी का प्रकरण संज्ञान में आने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने CO हरियावा शिल्पा कुमारी को पूरे प्रकरण की जांच सौंपी है, जिसकी जांच की जा रही है। RDO ये बताया जा रहा है कि हरियावा थाने में कांस्टेबल तैनात है और ये चांदनी नाम की एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसका ससुराल वालों से कोई विवाद था जिसमें वो मुकदमा लिखाने गई थी और उसी के एवज में उन्होंने लिया है, इसकी जांच की जा रही है। CO हरियाणा द्वारा इसमें विस्तृत रिपोर्ट लेकर और जांच करके जो भी सत्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वाकई में ये मामला बहुत गंभीर है। सरकार जहां पीड़ितों को इंसाफ दिलाने को लेकर बड़े बड़े वादे और दावे करती है, लेकिन इंसाफ पाने की खातिर भी लोगों को थाने में रिश्वत देनी पड़ रही है। ये प्रकरण तो सिर्फ बानगी है, थानों के असल हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ऐसे में इंसाफ के बदले रिश्वतखोरी के इस प्रकरण में थाने के जिम्मेदार अफसरों की भूमिका की क्या जांच होगी और रिश्वतखोर पुलिसकर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो साफ है कि फिल्मों के पुलिस वालों को देखकर और रियल लाइफ के पुलिस वालों को देखकर मन में कई सवाल उठते हैं। पंजाब केसरी TV के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।